हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लोजेस एवरी टाइप ऑफ सेल्स, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसका मतलब ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हर टाइप की सेल में पाई जाती है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक सेल हो। आप तो जानते होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, ओल्ड या प्रिमिटिव टाइप का होता है, जैसे कि बैक्टीरिया सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में आती है। और यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू टाइप का होता है। यूकैरियोटिक सेल्स सभी प्रकार के एनिमल्स में पाई जाती हैं, बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इट फिजिकली सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सराउंडिंग सेलुलर इन्वायरमेंट। मतलब ये क्या करती है, साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है सेलुलर इन्वायरमेंट में। इट इज़ अल्ट्राथिन, ये अल्ट्राथिन होती है, बहुत ही पतली टाइप की होती है, 8 to 10 नैनोमीटर की होती है, इलास्टिक होती है, लिविंग होती है, डायनेमिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर होती है। अब इसका टर्म लिखेंगे कि इसे किसने कॉइन किया था। द टर्म सेल मेम्ब्रेन वॉज कॉइंड बाय नागेली एंड क्रेमर इन 1855। ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम इसके केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। केमिकल कंपोजिशन में क्या लिखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 टाइप के कंपोनेंट पाए जाते हैं, पहला है लिपिड्स, दूसरा प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। तो एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यह है बाइलिपिड लेयर, जिसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ये पूरे सेल के अंदर पाई जाती है, सेल की मेम्ब्रेन है, तो इसे सेल एक्सटीरियर कहेंगे। ये सेल के बाहर का पोर्शन है और ये सेल के अंदर का है, तो इसे सेल एंटीरियर कहेंगे। ये जो है ये प्रोटीन्स है, तो ये अंदर की तरफ है तो इसे इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे, और ये बाहर की तरफ है तो इसे एक्सटीरियर प्रोटीन्स बोलेंगे। ये है पेरिफेरल प्रोटीन, ये साइक्लोस्केलेटन है, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ये कोलेस्ट्रॉल है, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है, और ये मैंने बताई दी ये प्रोटीन है, और ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रहा है इसे ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब हम तीनों हेडिंग्स, लिपिड्स और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डिस्कशन करते हैं। अब है फर्स्ट लिपिड। लिपिड में 4 मेजर क्लासेस आती हैं, फॉस्फोलिपिड जिसे फैटी एसिड भी बोलते हैं, स्फिग्नोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरॉल्स जिसे कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं फैटी एसिड की। दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ दी मेम्ब्रेन, ये मेजर कंपोनेंट होता है मेम्ब्रेन का। सेकंड है ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड, या इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इसके एग्जांपल है एमीन, फॉस्फोफैटी डाइक्लोनीन या लेसिथिन बोल सकते हैं, और ये क्या है, इसके कॉमन ग्लाइकोलिपिड्स हैं। थर्ड है हमारा स्फिग्नोलिपिड्स। स्फिग्नोलिपिड्स नर्वस सिस्टम के टिश्यू में पाए जाते हैं, और ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, स्फिग्नोमाइसिन, सेरिब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स। अब है फोर्थ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हेल्प करते हैं एनिमल मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी में, फ्लूडिटी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अब है सेकंड कंपोनेंट है हमारा प्रोटीन्स। मेन टाइप के प्रोटीन डिस्कस किए गए हैं नीचे। फर्स्ट है इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो हमारी सेल के अंदर पाए जाएंगे उसे हम इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे, और इसको हम इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कह सकते हैं। दिस प्रोटीन आर डीपली एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटीन्स होते हैं डीपली गड़े हुए होते हैं मेम्ब्रेन में। दस पोर्शन ऑफ दिस प्रोटीन आर इन वेंडरवॉल्स कॉन्टैक्ट विद हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन। जहाँ ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं उस पोर्शन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो वंडरवॉल कॉन्टैक्ट के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सेकंड है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स।
इनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये जो है प्रोटीन सेल के आउटर लेयर में पाई जाती हैं। दीज मे बी वीकली बाउंडेड टू द सरफेस। ये सरफेस से बहुत ही वीकली बाउंडेड होते हैं और ये आयनिक इंट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बाउंडेड होते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फॉर्म होता है बिटवीन प्रोटीन्स एंड द पोलर हेड ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड्स में, और दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये किससे इंटरेक्ट करते हैं, इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन से इंटरेक्ट करते हैं। दे कैन बी रिमूव्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द मेम्ब्रेन। इन्हें रिमूव किया जा सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब किए बिना। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सम ऑफ द इंट्रीगल प्रोटीन्स स्पैन होल ब्रेथ ऑफ द मेम्ब्रेन एंड कॉल एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। यानी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वो होती हैं जो इंट्रीगल प्रोटीन्स क्या करती हैं, अपनी पूरी वृत्त को, होल वृत्त को स्पैन कर देती हैं, वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहलाती हैं। द हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स ऑफ द अमीनो एसिड आर एम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक सेंट्रल कोर ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स होती हैं अमीनो एसिड की, वो एम्बेडेड होती हैं हाइड्रोफोबिक सेंट्रल कोर ऑफ द मेम्ब्रेन में। दिस प्रोटीन कैन सर्व एज रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, टिश्यूज, स्पेसिफिक एंटीजन्स, ग्रोथ फैक्टर ईटीसी। ये जो प्रोटीन्स होती हैं सर्व करती हैं रिसेप्टर्स, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, टिश्यूज और एंटीजन्स, ग्रोथ फैक्टर ईटीसी। अब ये इसका डायग्राम है। यह है हमारी सिंगल पास इंट्रीगल प्रोटीन और ये है मल्टी पास इंट्रीगल प्रोटीन। ये मोनोट्रोपिक प्रोटीन है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है क्योंकि ये मेम्ब्रेन के आउटसाइड है तो इसे एक्सट्रिंसिक, और ये सब इनर साइड है तो ये इंट्रीगल या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है। ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, आप अच्छे से ड्रॉ कर लें। लास्ट है हमारी हेडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, जो पाई जाती हैं सेल मेम्ब्रेन में एंड लिपोप्रोटीन्स में। अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ वेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।